दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो इस वीडियो की तरह अपने फोटो ऐड करके नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो स्टेटस एडिट करना, तो दोस्तों बिल्कुल इस वीडियो की एंड तक आप भी इस तरह अपने फोटो ऐड करके नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो स्टेटस बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया है कि आप भी आपके फोटो ऐड करके इस तरह नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो स्टेटस एडिट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कैसे करना इस तरह वीडियो स्टेटस एडिटिंग, इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों विदाउट स्किप करना लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हो तो शायद दोस्तों आप इस तरह वीडियो स्टेटस एडिटिंग करना नहीं सीख पाओगे। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं और आखिरकार देख लेते हैं कि इस तरह हम अपने गैलरी में से कोई भी फोटो ऐड करके नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो स्टेटस कैसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कुछ इस तरह यूज़फुल वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो स्टेटस किस तरह एडिट कर सकते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आपको भी अगर नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो स्टेटस अपने ही फोटो ऐड करके एडिट करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटे से एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों काइनमास्टर। दोस्तों यह एप्लीकेशन कहां से और कैसे फ्री में डाउनलोड करना है इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो दोस्तों उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इंटरफेस इस तरह ओपन हो जाता है। तो दोस्तों आपको नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो स्टेटस एडिट करना है तो आपको यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर करना होगा क्लिक। प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों हमें अगर कोई भी स्टेटस एडिट करना होता है तो सिंपल से आपको ये सेकंड वाली स्क्रीन यहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है 9.16। तो सिंपल से मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। जैसे ही दोस्तों आप स्क्रीन को सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको दोस्तों सिंपल से यहाँ पे मीडिया के ऊपर करना होगा क्लिक। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों हमारे वीडियो स्टेटस की लेंथ होती है 30 सेकंड की, तो आपको यहाँ से इसको लेंथ को बढ़ा देना है, 30 सेकंड कर देना है। तो ये 30 सेकंड हमारे वीडियो की लेंथ हो चुकी है। अब दोस्तों आपको आपके गैलरी में से जितने भी फ़ोटो आपको ऐड करने हैं अपने वीडियो स्टेटस में वो आपको सिंपल से यहाँ पर ऐड करने हैं। तो आपको दोस्तों सिंपल से लेयर के ऊपर क्लिक करना होगा। लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको करना है मीडिया के ऊपर क्लिक। मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप आपके नवरात्रि स्पेशल वीडियो स्टेटस एडिट में जितने भी फोटो आप ऐड करना चाहते हो आपको यहाँ से आसानी से ऐड करने हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा फर्स्ट फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये फोटो ऐड होने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपको सिंपल से इसको फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरह हमारा फोटो ऐड हो चुका है। अब आपको वापस से यहाँ पे करना होगा क्लिक। तो आप देख सकते हो दोस्तों नीचे की तरफ हमारे फ़ोटो की जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी है, तो आपको सिंपल से यहाँ से इस फ़ोटो की लेंथ 30 सेकंड तक कर देनी है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो इसमें कुछ और फ़ोटो ऐड करना तो आपको सिंपल से यहाँ से और फ़ोटो ऐड कर देने हैं। वापस से आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कर देना है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करने के बाद वापस से आपको इसको भी लेंथ को बढ़ा देना है। वैसे दोस्तों आपको और फोटो जितने भी ऐड करने हैं आप आसानी से यहाँ से कर सकते हो।
अब दोस्तों आप देख सकते हो हमारे फोटो यहाँ पे बिल्कुल ऐड हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पे एक सिंपल से स्मार्ट ट्रिक्स करनी होगी। फोटो के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे पल्स के ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हो दोस्तों आपका फोटो कुछ इस तरह अप एंड डाउन आपको दिखने शो हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों हर एक फ़ोटो के ऊपर आपको इसी तरह कुछ कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सभी फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद तो ये वाला वीडियो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, जो कि नवरात्रि स्पेशल वीडियो है, जो कि आपको वीडियो स्टेटस एडिटिंग को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। इस वीडियो की लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ये वीडियो आपको आपके मोबाइल के गैलरी में डाउनलोड करके रखना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करके मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और वो वाला वीडियो आपको यहाँ से आसानी से यहाँ पर ऐड करना है। जैसे दोस्तों ये वीडियो आप यहाँ पर ऐड करते हो तो इस वीडियो का इंटरफेस कुछ इस तरह यहाँ पे आपको दिखना शो हो जाएगा। तो आपको वापस से यहाँ पे क्लिक करना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा वीडियो एडिट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप नवरात्रि का स्पेशल वीडियो यहाँ पे ऐड कर देते हो तो उस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे क्रोमा की के ऊपर क्लिक करना है और इसको कर देना है एनेबल। एनेबल करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोटो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख नहीं रहा है तो आपको यहाँ पे आसानी से आप यहाँ से अप डाउन करके आपके हिसाब से कुछ इस तरह ये सेटिंग को कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब देख सकते हैं कि हमारा वीडियो आखिरकार किस तरह एडिट हो चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों हमारा नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियो स्टेटस एडिट यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इसको डाउनलोड करना अपने मोबाइल की गैलरी में तो आपको यहाँ पे सिंपल से शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो ये वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना छोटा सा लाइक। चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।